नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक धमाकेदार वीडियो में। और यहाँ पे हमारे पास Noise HRX XP21। तो देखेंगे यहाँ पे और एक धमाकेदार स्मार्ट वॉच के अंदर क्या आपको यहाँ पे यूनिक फीचर्स जो है वो मिल जाते हैं, और क्या ये सही रहेगा प्राइस के हिसाब से या नहीं। तो भाई ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन जाके बेल आइकन को प्रेस कर मत भूलिए। सो प्रजहियन, वेलकम टू आवर चैनल ईटेक एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से पैकिंग में हमें ये मिल जाता है। मेजर स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आपको मेंशन किए गए हैं, 1.52 इंच का काफ़ी बड़ा IPS L3 डिस्प्ले है विथ हायर रेजोल्यूशन, काफ़ी अच्छी बात है। ब्लड ऑक्सीजन मीटर, SpO2, IP68 स्ट्रेस मॉनिटरिंग, कॉल एंड SMS क्विक रिप्लाई, ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। हार्ट रेट, 15 स्पोर्ट्स मोड एंड 7 डेज बैटरी लाइफ। तो दोस्तों इसको यहाँ पे कट कर देते हैं। और कुछ इस तरीके से पैकिंग में ये हमें मिल जाता है, ये देखिए। सो यहाँ पे हमें मिल जाता है डॉक्यूमेंटेशन, Noise HRX एडिशन। काफ़ी यहाँ पे मुझे प्रीमियम क्वालिटी का जो लुक है भाई, पहले ही नज़र में ऐसा यहाँ पे लग रहा है। इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ये देखिए एकदम ही सुपर वाव। और स्ट्रैप्स की क्वालिटी भी मुझे यहाँ पे काफ़ी बेटर लगी। इसको भी निकाल देते हैं, सुंदर सा आई गेस हमें यहाँ पे मिल जाएगा टाइप चार्जिंग केबल। सो आपको इतना मिल जाएगा फ्रॉम द अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों इसको यहाँ पे प्रेस करते हैं और कर देते हैं पावर ऑन। तो यहाँ पे आ जाएगा Noise HRX, और सबसे पहले आपको इसे यहाँ पे पेयर करना पड़ेगा। पेयर करने के लिए यहाँ पे आपको Noise Fit को यहाँ पे इंस्टॉल करना है, और उसके बाद यहाँ पे ये डिटेक्ट कर लेगा XP2। वाओ, यहाँ पे अलाउ कर दीजिए, दैट्स इट, ये कनेक्ट हो गया। सो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन को लेके, तो भाई काफ़ी यहाँ पे स्मूथ एप्लीकेशन है। और जैसे देख सकते हो यहाँ पे आपको क्लाउड वॉच फेसेस जो है वो भी मिल जाता है, या तो फिर आप अपना कस्टम वॉच फेस भी यहाँ पे सेट कर सकते हो, यानी कि गैलरी का कोई भी फोटो आप यहाँ पे लगा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो आपको डिवाइस के अंदर मिल जाएंगे, जिसके अंदर यहाँ पे आपको आइडियल अलर्ट, ऑटो हार्ट रेट सेंसर, गूगल फिट का जो एप्लीकेशन का डेटा है वो भी सिंक्रोनाइज करेगा, रैपिड आई मूवमेंट, ड्रिंक वाटर रिमाइंडर, सेट डिवाइस टाइम, कैमरा सेटर, फाइंड माई डिवाइस, वेदर सेटिंग, नोटिफिकेशन अलर्ट, यहाँ पे ये ऑन करोगे तभी आप कॉल एंड SMS व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आएगा। अलार्म यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, हैंड वॉश, माई रिमाइंडर, क्विक रिप्लाई। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे कॉल आता है तो भाई आप यहाँ पे क्विक रिप्लाई कर सकते हो, या तो फिर आपको SMS भी आता है तो वहाँ पे भी आप यहाँ पे ये वाले क्विक रिप्लाई कर सकते हो, या तो फिर आप इसे एडिट करके आप अपना भी कोई क्विक रिप्लाई जो है आपकी लैंग्वेज में वो यहाँ पे सेट कर सकते हो। सो एप्लीकेशन का जो सपोर्ट है वो मुझे एकदम सही वाला लगा। सो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे लुक एंड डिजाइन के ऊपर, तो भाई यहाँ पे आपको यूज 1.52 इंच का IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, जिसका रिजोल्यूशन आपको 360x400 पिक्सल मिल जाता है, काफ़ी अच्छी बात है। और लुक भाई काफ़ी मज़ेदार है, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको बिजललेस फीलिंग जो है वो यहाँ पे मिल जाती है। एंड आई रियली लाइक द स्ट्रैप्स क्वालिटी। यहाँ पे साइड में आपको एक ऑन ऑफ बटन, या तो फिर आप बोल सकते हो पावर बटन मिल जाता है। पीछे यहाँ पे आपको हार्ट रेट सेंसर, SpO2 सेंसर एंड चार्जिंग डॉट्स जो है वो मिल जाते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप स्ट्रैप्स को रिमूव कर सकते हो, एंड ओवरऑल यहाँ पे एक प्रीमियम क्वालिटी वाला जो स्मार्ट वॉच है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर बात करें यहाँ पे लुक के हिसाब से, तो कुछ ये ऐसा दिखेगा जब आप इसे वियर करोगे, एक प्रीमियम फीलिंग आप यहाँ पे बोल सकते हो। और ऑफ कोर्स यहाँ पे रेस टू वेक फंक्शन जो है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से और काफ़ी क्विकली ये वर्क करता है, तो भाई मज़ा आ गया। तो दोस्तों पीछे यहाँ पे आपको चार्जिंग डॉट्स और मैग्नेटिक टाइप यहाँ पे चार्जिंग केबल मिल जाता है, जैसे यहाँ पे रखोगे ये चार्जिंग के अंदर चला जाएगा। और अगर यहाँ पे बात करें बैटरी लाइफ को लेके, तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 1 वीक का बैटरी लाइफ यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे हैवी यूज़र हो तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बैटरी ड्रेन करेगा। तो आपको ओवरऑल अगर हैवी यूज़ की बात करें तो 4 से 5 दिन का यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा।
सो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे मेनू स्टाइल यूआई एनिमेशन के ऊपर। तो जब आप यहाँ पे स्वाइप अप करते हो तो आपको यहाँ पे शॉर्टकट मेनू जो है वो मिल जाता है। स्वाइप डाउन से यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। राइट स्वाइप से यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल, स्लीप मॉनिटरिंग, SPO2, स्ट्रेस एनालिसिस, हार्ट रेट सेंसर, एक्टिविटी एंड फिर से यहाँ पे आपको होम स्क्रीन मिल जाएगा। सेम एज यहाँ पे ये रिपीट होता है। अगर यहाँ पे आप पावर बटन जो है इसको यहाँ पे प्रेस करते हो तो मेनू ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको एक्टिविटी, वर्कआउट, स्लीप रिकॉर्ड या तो फिर SPO2, हार्ट रेट, वेदर अपडेट्स, जी हाँ दोस्तों आप वेदर भी यहाँ पे देखते हो, ब्रीथ रिमाइंडर, म्यूजिक, अलार्म, स्टॉपवॉच, स्ट्रेस, वर्ल्ड क्लॉक, वॉच फेसेस एंड सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल मिल जाता है। इंडोर और आउटडोर कंडीशन में भाई काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है। इनफैक्ट यहाँ पे आप वाइब्रेशन जो है उसको भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, काफ़ी अच्छी बात है। रेस टू वेक ऑप्शन जो है वो भी मिलता है, जो हमने देखा काफ़ी फास्ट है और अप टू 30 सेकंड का भाई स्क्रीन टाइम आउट है, वो मुझे काफ़ी सही लगा। डू नॉट डिस्टर्ब, QR को रिबूट, पावर ऑफ, रिसेट। तो भाई एकदम सही वाला जो स्मार्ट वॉच है प्राइस के हिसाब से, सभी फंक्शन वाला, क्विक रिप्लाई वाला, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे कंक्लूजन में तो भाई जो प्राइस है, प्राइस के हिसाब से काफ़ी सही वाला आपको स्मार्ट वॉच जो है वो मिल जाता है, एकदम ही सुपर। यहाँ पे मीन्स जो स्क्रीन रिजोल्यूशन है वो मुझे यहाँ पे लगा और काफ़ी सारे जो फीचर्स है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। जो लुक है वो काफ़ी प्रीमियम है और हाँ, परचेज लिंक जो है वो भी मिल जाएगा आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे। आज के वीडियो बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।